राधे कृष्णा भक्त जनों, सोनी टैलेंट पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने पूजा के समय अगर आपका भगवान जी फूल गिराते हैं या भगवान के साथ चढ़ाए हुए फूल गिर जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ईश्वर आपको क्या संकेत देते हैं इस फूल के माध्यम से, इस चीज़ के ऊपर जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं जानकारी। तो सबसे पहली बात कि जो लोग नित्य पूजा करते हैं, नियम से पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, अपने ईश्वर अपने इष्ट देव की पूजा आराधना पूरे भाव से पूरे मन से करते हैं तो ईश्वर की अनुकंपा उन पे होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर उन पे प्रसन्न नहीं होंगे, ईश्वर उन पे प्रसन्न होंगे। ऐसे ईश्वर हमें बहुत सारे संकेत देते हैं लेकिन हम बहुत सारे संकेत को नहीं समझ पाते हैं। तो उनमें से एक संकेत की मैं बात करूँगी, वो है हमारा फूल गिरना। अगर आप किसी भी देवी देवता, अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं या फिर जिनको जिनकी भी आप पूजा करते हैं, अगर उनको फूल चढ़ाए हुए हैं तो अगर फूल गिर जाते हैं पूजा के मध्य में, तो पूजा के मध्य में, मैंने कहा पूजा के मध्य और अंतिम में, यानी कि आरती से पहले और आरती तक अगर फूल गिर जाते हैं तो समझिए ईश्वर तक आपकी मनोकामना पहुंच रही है। वे आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, साधना से खुश हैं, वे आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और आपने जो भी मनोकामना रखी है वे सारे स्वीकार की जाएंगी। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, इस बात का संकेत वो फूल गिरने के माध्यम से देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेकर अपने इस चैनल पर उपस्थित होंगी आप सभी के सामने, और भी जानकारी मैं दूंगी फूल के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।